हेलो एवरीवन, मैं हूं सोमेर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में और उसको बस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या अल्कोहल पीना कोरोना वायरस के लिए सही है, क्या अल्कोहल से कोरोना वायरस मर जाता है, क्या एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, क्या अस्थमा पेशेंट को ज़्यादा टाइम मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्या एक्सरसाइज के टाइम पे मास्क नहीं पहनना चाहिए, ये सब के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक ये वीडियो को देखते रहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बता दूं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूं, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या, मेरा जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो अफवाह है, सबसे पहला जो मिथ है, वो है कि ज़्यादा टाइम तक हम अगर मास्क पहनेंगे तो CO2 इंटॉक्सिकेशन होगा और ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में O2 का मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा और CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा बढ़ जाएगा। तो क्या ये सही है? तो उसका जवाब देते हुए WHO बोलते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि मास्क जो सर्जिकल मास्क जनरली यूज किया जाता है, जो WHO रिकमेंड करते हैं, वो ऐसा बना हुआ होता है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन नहीं बढ़ाएगा, वो सिर्फ कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए है। और मास्क इसलिए है कि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे तभी आपको मास्क पहनना है। और सेकंड जो मिथ है कि अभी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, थर्मल गन यूज किया जाता है, थर्मल स्कैनिंग किया जाता है, तो क्या ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है? बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, इसका नाम ही है थर्मल डिटेक्टर, यानी कि ये तापमान को मापता है, यानी कि आपके बॉडी पे अगर गर्मी है, यानी कि आपको अगर फीवर है तो ये उसको मापता है। और कोरोना वायरस का एक वन ऑफ द सिम्टम है फीवर। ये अगर आपको फीवर है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस ही है, इसका मतलब आपको फ्लू भी हो सकता है, कोई अदर फ्लू हो सकता है या कोई अदर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे फीवर्स हैं जो कि हो सकता है। लेकिन ये थर्मल डिटेक्टर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। तो ये भी मिथ है कि आपका थर्मल डिटेक्टर कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। अभी थर्ड मिथ पे आते हैं, जो कि है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज कोरोना वायरस पे किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। WHO के हिसाब से इसके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन असरदार है कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना वायरस को नहीं मार सकता, इसके मॉडरेट इन्फेक्शन को भी नहीं मार सकता। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रूमेटिक आर्थराइटिस पे यूज किया जाता है और आपके मलेरिया पे यूज किया जाता है, लेकिन ये अभी कोरोना वायरस के लिए सही नहीं। अभी जो मिथ है वो बहुत इंटरेस्टिंग मिथ है और बहुत लोग इसे मानते हैं, बोलते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन कोरोना वायरस को मार सकता है, अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस बॉडी से जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि आपके लंग्स में जाता है, और अल्कोहल आप कंजम करने के बाद वो लंग्स में नहीं जाता, वो जाता है सीधा आपके स्टोमक पे, आपके दूसरे सिस्टम में जाता है, और वो अल्कोहल पूरा अलग होता है जो कि कोरोना वायरस को मारने के लिए सैनिटाइजर हम यूज करते हैं। तो ये अफवाह पूरी तरह से गलत है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपके बॉडी के कोरोना वायरस डेथ हो जाएंगे। WHO के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है और उल्टा इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप कोरोना वायरस के टाइम पे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से हमारे बॉडी का इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपका रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस बढ़ जाता है। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे और आप सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस को मारने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करने लगूं, तो पूरी तरह से गलत है। और आप इसे का मिथ ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ये कोरोना वायरस को मार सकता है, या तो ज़्यादा ठंडा हो जाए तो कोरोना वायरस को मार सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि समर टाइम पे कैसे बस्ट हुआ था कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, और जो जो कंट्री हॉट कंट्री माने जाते हैं
तो वहाँ पे भी कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ही जोर से हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हॉट टेम्परेचर, या तो आप सोच रहे हैं कि हॉट वाटर से मैं अगर नहा लूँ तो कोरोना वायरस स्प्रेड होने से रोक सकता है। अगर आप गर्म पानी कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी जो थ्रोट पे जितने भी इन्फेक्टेड एरिया होंगे, या तो टॉन्सिलाइटिस टाइप का हो गया होगा, या तो वायरस वहाँ पर रहा होगा, तो उसको किल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर हॉट क्लाइमेट पे हैं, हॉट वाटर से बात लेते हैं तो कोरोना वायरस कम हो जाएगा। अभी और एक चीज़ बहुत ही जोर से चल रहा है, बहुत लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको घर पे जानना है कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, तो आप सांस लीजिए और 10 सेकेंड्स तक अपने ब्रेथ को होल्ड कीजिए। अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो आप कोरोना वायरस से फ्री हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस अभी जो उसका ट्रेड चल रहा है, ये नॉन सिम्टोमेटिक है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है, लेकिन आपको होगा। आपके आगे अगर कोई आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको कोरोना वायरस है। सिम्टम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये स्प्रेड कर सकता है दूसरे लोगों को। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर एक भी सिम्टम नहीं है, कॉफ नहीं है, फीवर नहीं है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको 10 सेकेंड होल्ड करने के लिए क्या दिक्कत होगी? तो ये पूरी तरह से गलत है। सो कोरोना वायरस है कि नहीं ये जानने के लिए सबसे असरदार तरीका है टेस्ट। आपको लेबोरेटरी पे जाके टेस्ट कराना पड़ेगा, वो ही सबसे असर। अभी आ जाते हैं, क्या एंटीबायोटिक कोरोना वायरस को इराडिकेट करने पे हेल्प कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस उसके नाम पे ही आपको पता चल रहा है कि ये एक वायरस है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के केस में दिया जाता है। तो आप लोग सब बोलेंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर क्यों प्रेस्क्राइब कर रहे हैं एंटीबायोटिक इन द केस ऑफ कोरोना वायरस। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस होने के बाद आपको जो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि कोरोना वायरस आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि दूसरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस आपके बॉडी पे बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो दूसरे बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब आपके थ्रोट पे टॉन्सिलाइटिस ये टाइप का इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इसलिए प्रेस्क्राइब किया जाता है क्योंकि वो जो साइट इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए, यानी कि हम अभी सिर्फ सिम्टम को दूर करते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस है और आपको कफ हो रहा है तो आपको कफ सिरप दिया जाएगा। अगर आपको कोरोना वायरस है लेकिन कफ नहीं हो रहा तो आपको कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही ये एक सिम्टोमेटिक इराडिकेशन है कोरोना वायरस के लिए। तो अभी के जो मिथ में आ जाते हैं, अभी का मिथ है कि एक्सरसाइज के टाइम पे हमें मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज के टाइम पे मास्क नहीं पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड फ्रेश एयर जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए। और एक कारण ये है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्वेट निकलता है जो कि मास्क पे आपके लग सकता है, और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अगर मास्क यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 बार ही मास्क यूज कीजिए। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एक ही मास्क को बार बार महीने भर चलाते हैं। इससे क्या होगा, कोरोना वायरस हो या ना हो, दूसरे बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपको जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये प्रिवेंटिव मेजर जरूर यूज कीजिए, और मास्क अगर यूज कर रहे हैं तो उसको धो के यूज कीजिए, या तो अगर आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको हर 2 दिन 3 दिन में चेंज कीजिए एटलीस्ट। सो ये थे कुछ मिथ आज के वीडियो के लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, जिससे होगा क्या मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।